हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरियन पाठशाला। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि लाइब्रेरी बुक रिसीव्ड रजिस्टर का फॉर्मेट कैसे होता है और उसका एंट्री कैसे करते हैं। दोस्तों, ये रजिस्टर या तो आपको ऑनलाइन परचेज करना पड़ेगा या तो आप नॉर्मल रजिस्टर में इस प्रकार के फॉर्मेट बना के भी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। इसका पहला कॉलम है मंथ एंड डेट। जिस भी डेट में बुक रिसीव्ड होगा वो वाला डेट यहाँ डालेंगे। ठीक है, उसके बाद है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर में 1, 2, 3 जो भी है क्रम से बढ़ते जाएगा ये वो कर लिखेंगे। उसके बाद है नेम ऑफ बुक। नेम ऑफ बुक में जो भी बुक मंगवाया हो उसका टाइटल क्या है वो लिखना है। जैसे मैं अरिहंत इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का बुक मंगवाया हूँ तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ। उसके बाद है ऑथर नेम। ऑथर नेम में जो भी उस बुक है उसके लेखक कौन है, ऑथर कौन है, उसको लिखेंगे। जैसे एस सी गुप्ता उसके ऑथर है तो लिख दिया हूँ मैं। उसके बाद है नंबर ऑफ कॉपीज। आपने उस बुक की कितने कॉपीज मंगवाई है, कितने प्रति मंगवाई है वो लिखना है। और प्राइस पर, उसके बाद है प्राइस पर, मतलब उस एक बुक की कीमत कितनी है। जैसे एक बुक की कीमत 375 है तो यहाँ लिख दिया हूँ मैं। उसके बाद है अमाउंट। दोस्तों, इसमें टोटल अमाउंट को लिखना है। जैसे वन एक ही बुक मंगवाए हैं तो इस यहाँ 375 उसका रेट है, तो अगर दो बुक मंगवाएंगे तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट लिखना है। उसके बाद है फ्रॉम होम रिसिव्ड। आपने यह बुक कहाँ से मंगवाया है यह लिखना है यहाँ। जैसे मैंने सेंट्रल बुक हाउस रायपुर से मंगवाया है तो लिख दिया हूँ मैं। उसके बाद है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द बुक। जिस भी डेट को इसमें वो डेट डालना है जो बिल में दिया गया है। ठीक है, बिल में जो भी डेट दिया है उसको यहाँ लिखना है। उसके बाद है एक्सेशन नंबर। एक्सेशन नंबर मतलब कलेक्शन नंबर। जिस भी क्रम में वो बुक आया है, जैसे यहाँ 2976 है एक्सेशन नंबर, तो ये बढ़ते जाएगा, 2977 हो जाएगा, 2978 होगा। तो एक्सेशन नंबर में आप एंट्री किए होंगे तो पता होगा कि एक्सेशन नंबर होता क्या है। ठीक है, उसके बाद है रिमार्क। रिमार्क वाले कॉलम में जो भी स्पेशल है उसको लिखना है। जैसे हिंदी मीडियम का बुक है तो वो लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम बुक है वो लिख सकते हैं, ओल्ड बुक है तो वो लिख सकते हैं, डुप्लीकेट बुक है वो लिख सकते हैं। दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है जब उस बुक की बिल में जो अमाउंट होती है और बुक में जो अमाउंट होती है दोनों डिफरेंस होती है, तो उसको भी लिख सकते हैं कि बिल में जो अमाउंट दिया है और बुक में जो अमाउंट दिया है वो डिफरेंस है करके। दोस्तों, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।